हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है अल्युमिनियम थर्माइट गोल्ड सेचिंग थर्माइट प्रोसेस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम इसके नाम से ही पता लग रहा है, एल्युमिनियम क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, बोरोन और सब मेनली इनको रिड्यूस करता है। इसके अंदर मेन फंडामेंटल जो है कि यहाँ पे कंटेनर होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, थर्माइट मिक्सचर को ऐड कर देते हैं। थर्माइट मिक्सचर होता क्या है, थर्माइट मिक्सचर 1:3 क्या चीज रेशियो में, 1:3 रेशियो में एल्युमिनियम इज टू मेटल ऑक्साइड रेशियो होता है। मेटल ऑक्साइड हो सकता है आपका टाइटेनियम का ऑक्साइड हो सकता है, वैनेडियम का ऑक्साइड हो सकता है, क्रोमियम का ऑक्साइड हो सकता है, बोरोन का ऑक्साइड हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो सकता है। और यहाँ पे एल्युमिनियम जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एड करता है। और इसके ऊपर क्या रखा रहता है, मैग्नीशियम का वायर रखा रहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जब मैग्नीशियम का बेसिकली इसके मैग्नीशियम के साथ BaO2 या फिर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 डाला जाता है, इससे पूरे कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है Mg+BaO2 या फिर KNO3, उसे हम बोलते हैं इग्निशियन मिक्सचर। बेसिकली क्या किया जाता है, मैग्नीशियम वायर को बर्न किया जाता है। मैग्नीशियम वायर को बर्न होने के कारण BaO2 का जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इससे क्या हाई हो जाता है, इससे जब हीटिंग हो जाता है तो BaO+ ½ O2 रिलीज होता है। जो ये O2 रिलीज होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने क्या लिखा है, O2 रिलीज हो रहा है। जो O2 रिलीज होता है वो क्या करता है, मैग्नीशियम वायर को बर्न करने के काम में मदद करता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम वायर बर्न हो गया, Mg+BaO2 जब रिएक्ट किया तो BaO2 भी तो है, तो MgO+BaO+ हीट निकलता है। जब ये हीट निकलता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब यहाँ पे क्या ये क्या है, Cr2O3 भी तो है और एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम हीट होने के कारण इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं। आप जानते होंगे कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ बहुत अच्छे तरह से कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है, तो ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है और हीट रिलीज होता है। इतना ज्यादा हीट रिलीज होता है कि जो क्रोमियम अलग होकर निकलता है ना, वो क्या भाई साहब होते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में होते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं, मतलब कि अपने मेल्टिंग प्वाइंट को रीच कर जाते हैं। यदि स्मॉल स्केल के बारे में बात की जाए, ऑन स्मॉल स्केल द प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एफई। एफई के मतलब कि आयरन के एक्सट्रैक्शन में भी स्मॉल स्केल में इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस को। प्रोसेस का नाम है एल्युमिनियम थर्माइट या फिर गोल्ड सैचेट थर्माइट प्रोसेस। इसका एक एग्जाम्पल की तरफ देख सकते हैं, एग्जाम्पल टू ज्वाइन द ब्रोकन रेल रोड। प्रीवियसली बताया था कि रेल रोड को ज्वाइन करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे इस एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस में। एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस बेसिकली क्या किया जाता है, इसके अंदर Fe2O3 Cr2O3 लिया है मैंने, यहाँ Fe2O3 लिया जाता है और उसको एल्युमिनियम के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो इसे क्या होता है, Al2O3 बनता है। और जो Fe बनता है ना, यहाँ भी क्या होता है, मोल्टन स्टेट बनता है। देखिए मोल्टन स्टेट बनने के कारण क्या है ना, कि इस ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन की एल्युमिनियम के साथ अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। एल्युमिनियम के साथ अफिनिटी बहुत ज्यादा होने के कारण Fe मोल्टन स्टेट बनता है। और जो हमारे रेलवे ट्रैक जो होती है, जो टूट जाती है, ब्रेकआउट हो जाती है, उसके अंदर जो मोल्टन स्टेट में आयरन होती है उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, एक फिर से नॉर्मल पटरी बन जाता है। एज ए पर्पज ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग पर्पज में हमारा आयरन जो है काम आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा गया, कमर्शियली Fe इज नॉट रिड्यूस बाय एल्युमिनियम। Fe को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एल्युमिनियम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कारण आप भी सोच सकते हैं, कारण यह है कि एल्युमिनियम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इसके लिए हम लोग बेसिकली कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग स्मॉल स्केल पे एल्युमिनियम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल में ज्यादा फायदामंद नहीं होता, इसलिए हम एल्युमिनियम इस्तेमाल नहीं करते। बस ये प्रोसेस आपको ध्यान रहना चाहिए और ये भी बात आपको ध्यान रहना चाहिए कि कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करते। होप करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि चैनल आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में, और आपको कैसे तरह की वीडियो चाहिए और क्या क्या चाहते हैं आप, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतना ही। जय हिंद।